आपको बता दें कि बुलंदशहर के जहांगीराबाद में 4 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या की सूचना पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी। साथ ही बच्ची के शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जहांगीराबाद कस्बे के एक मोहल्ले में रहने वाली 5 वर्षीय बच्ची रविवार को शाम 4 बजे से गायब थी। परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। रात करीब 9 बजे पड़ोसी युवक के घर में बच्ची मृत अवस्था में मिली। वहीं एसपी देहात ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, उसी दौरान पड़ोसी युवक उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले गया, जहां उसके साथ दरिंदगी की, इसके बाद हत्या कर दी। परिजन बच्ची की तलाश कर रहे थे, इसी दौरान जानकारी मिली कि बच्ची पड़ोसी युवक के साथ देखी गई थी, जिसके बाद परिजनों ने आरोपी के घर पर पहुंचे तो उन्होंने बच्ची को अस्त व्यस्त कपड़ों में मृत अवस्था में देखा, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्षेत्राधिकारी अनूप शहर अवंतिका उपाध्याय ने बताया कि मासूम की रेप के बाद हत्या किया जाने की आशंका है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एसपी देहात ने मौका मुआयना किया है और परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल बच्ची को पोस्टमार्टम के बाद घर लाया गया है, जहां तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। आज थाना क्षेत्र जहांगीराबाद में समय लगभग 4 बजे एक 5 वर्षीय बच्ची जो है अपने घर के बाहर खेल रही थी। 2-3 घंटे जब वो अपने घर नहीं पहुंची तो उसके माँ बाप ने उसकी खोजबीन शुरू करी। उसको ढूंढते ढूंढते वे अपने ही पड़ोसी के घर पहुंचे, जो एक नशेड़ी किस्म का व्यक्ति था। वहाँ पे उन्होंने देखा कि उनकी बच्ची अमृत अवस्था में पड़ी हुई है और वह व्यक्ति भी नशे की हालत में बेहोश था। लोगों ने आक्रोश में आकर उस पर उसके साथ थोड़ी मारपिटाई भी करी है तथा उस व्यक्ति को पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। हमारे द्वारा तकनीकी साक्ष्यों को एकत्रित कर तथा प्रभावी पैरवी करके इस अभियुक्त को कठोर से कठोर सजा दिलवाई जाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।